सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या में विराजमान हुए रामलला की। अयोध्या में समय से पहले राम मंदिर का रास्ता खोल दिया गया है। वजह, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अयोध्या और श्रद्धालुओं की इस अपार श्रद्धा को देखते हुए बदलाव किया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। मंदिर के द्वार समय से पहले खोलने का निर्णय लिया गया। लाखों की संख्या में राम मंदिर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन करने के दौरान चेकिंग प्वाइंट से गुजरना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर मोबाइल और अन्य सामान ले जाना भी मना है। तो रामलला के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची हुई है। जनसैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने भी नियमों में बदलाव किया है और समय से पहले ही मंदिर का रास्ता खोला गया है। देखिए, 5 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और अंदाज लगा सकते हैं आप कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं, जहां पर रामलला के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु देखिए यहां पर इनमें जो श्रद्धा है, जो भक्ति भाव है वो नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर का रास्ता खोला गया है और समय से पहले ही मंदिर का रास्ता खोल दिया गया है। प्रभु श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। आज उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब आज अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस समय हम राम जन्मभूमि के प्रवेश द्वार पर मौजूद है और मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भीड़ को नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो रहा है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय अयोध्या की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये राम मंदिर का मुख्य गेट है, जहां से श्रद्धालु अंदर जाएंगे। और आप देखिए, यहां पर आरएएफ है, एसएसबी है, पीएसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, भारी पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। पूरी रस्सी खींच दी गई है, गाड़ियों के आने जाने की किसी भी तरीके की कोई इजाजत नहीं है। सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियां हैं वही यहां पर अंदर जा पाएंगी। सड़कें आप देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं से भरी हुई है और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस वालों के लिए इस भीड़ को संभालना अब मुश्किल हो गया है। तमाम फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। तो प्रभु श्री राम का ये कह सकते हैं कि जो वनवास था वो खत्म हो गया। ऐसे में हर एक राम भक्त चाहता है कि जल्द से जल्द वो प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में पहुँच कर उनके दर्शन कर सके। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं, जिसे देख सकते हैं कि हजारों जो है लाखों श्रद्धालुओं का तांता यहां पर अयोध्या में लगा हुआ है और सुबह भोर से यहां कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि समय भी खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को दूर दूर से यहां पर आए हैं। कहां से आए हैं? हम लोग वाराणसी से आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ राम भक्तों के आस्था की जीत हुई है और आस्था आज प्रति रूप में दिखाई दे रहा है, तो रामलला के रूप में ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। जय श्री राम। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलयुग कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि राम राज्य फिर से आने वाला है और उसको मान करना पड़ेगा। भगवान राम ने 500 साल इंतजार किया है, हम 5 घंटे खड़े हो इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। भरतपुर राजस्थान से आया हूँ, 500 किलोमीटर, 551 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। बताइए कैसा माहौल है, आप दर्शन करें यहाँ पहुँचे? बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लंदन से आए और आज जा रहे हैं वापस, मगर दर्शन हो गए तो अच्छा लग रहा है। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रही है, लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। लल्ला घर आ गए, तेतायुट में वापिस आ रहे, राम राष्ट्र की वापसी हो रही 500 साल बाद। ऐसा लग रहा है तेतायुट जो अयोध्या नगरी थी वो वापिस पुनरावर्ती हो रही है उसकी। और एक बार से जोर से बोलेंगे हम 48 दिन का सफर काट के, 1400 किलोमीटर का सफर काट के आए हुए हैं। हमने पूरे देश को देखा, पूरा देश राममय समय और अयोध्या की तो छवि निराली है और बस प्रभु श्री राम के दर्शन की अभिलाषा है। अच्छा लग रहा है। अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर, अति उत्तम, इससे समृद्ध, इससे उत्तम कुछ दिख ही नहीं रहा है आज। सीता राम सुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने
भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या दिव्य अयोध्या त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा कल चलेगा। मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा, ये दो चार दिन चलता रहेगा। जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो वसुदेव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः, उस संस्कृति की स्थापना कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों के द्वारा और देश के विभिन्न मत मतांतर संप्रदाय के आचार्य विद्युतगण महामंडलेश्वर शंकराचार्य रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य निवारकाचार्य सारे पूज्य संतों के चरण में बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पूरा देश गदगद है। तो देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त अयोध्या पहुंची हुई है जो कि रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी तरह से लालायित नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की इस अपार श्रद्धा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी बदलाव किया है, मैनेजमेंट ने बदलाव किया है और देखिए पुलिस कर्मियों को भी भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चले इसको लेकर कड़ी मशक्कत तमाम सुरक्षा कर्मी भी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं, संदीप खेर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, रूपेश श्रीवास्तव भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं, संदीप क्या आप इस वक्त वहां पर सिचुएशन नजर आ रही है? बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, लगातार कहा जा रहा था कि जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और इसकी वजह से रास्ते जो है उन पर ब्लॉक किया गया था उनको ताकि भारी भीड़ एक साथ में अंदर ना जा पाए, लेकिन उसके बाद रास्ते खोल दिए गए। अब इस समय क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है संदीप? देखिए शांतनु, सुबह की जो तस्वीर थी हालांकि भीड़ जो है एकदम से आई थी, तमाम श्रद्धालु एक साथ मंदिर में इकट्ठा हो गए थे, तब पुलिस को देखिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन जो अब देखिए व्यवस्था है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, श्रद्धालुओं को देखिए लाइन बनाकर भेजा जा रहा। आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ की जो व्यवस्था है यहाँ का जो मैनेजमेंट है किस बेहतरीन तरीके से चल रहा है। एक लंबी जो लाइन है वो लाइन के माध्यम से आप देखिए तमाम श्रद्धालुओं की एंट्री कराई जा रही है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल करी जा रही है कि भारी भीड़ के कारण जो है वो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। ये जो तस्वीर है ये पूर्ण रूप से फेक है, अयोध्या पुलिस की तरफ से इस तस्वीर को ट्वीट किया गया है और दर्शन देखिए चालू है और बहुत ही अच्छे दर्शन तमाम श्रद्धालुओं को मिल रहे हैं। श्रद्धालु देखिए जय जयकार कर रहे हैं, मंदिर का प्रशासन देखिए लगा हुआ है। आप देखिए एक भव्य तस्वीर शांतनु आपको दिखाई दे रही, तिरंगा झंडा भी है, भगवा झंडा भी है, प्रभु श्री राम की तस्वीर भी है। तो देखिए हाँ सुबह जरूर दिक्कत थी कि भीड़ जो है ज्यादा आ गई थी, पुलिस को थोड़ा बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब फिलहाल जो हालात हैं नियंत्रण में है। लेकिन हाँ जो श्रद्धालु हैं जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी संख्या देखिए कम होने का नाम नहीं ले रही है। मैं अगर आपको सामने की तस्वीर में भी दिखाना चाहूँ तो आप ये समझ लीजिए जो श्रद्धालुओं की जो लाइन है वो किलोमीटर किलोमीटर तक लगी है। मतलब आप उनकी देखिए, आप उनकी भक्ति समझिए, उनका उत्साह समझिए कि कितना उनके अंदर जो प्रभु श्री राम के लिए उसको प्रेम कहा जाएगा, समर्पण कहा जाएगा। ये देखिए ये लाइन में लगे हैं, इनसे बात करते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा मैम आप भी लाइन में खड़ी हैं, कैसा लग रहा है? तो दर्शन करने के लिए बस कुछ देर में पहुंचेंगी, क्या कहना चाहेंगी? बहुत इंतजार हो रहा है देखने का राम जी को। कभी सोचा था राम मंदिर बनेगा? हाँ बिल्कुल सोचा था। सर आपको क्या लगता है, आपने तो एक लंबा इंतजार भी किया होगा? मैं तो यहाँ से काफी दूर 1000 किलोमीटर ग्वालियर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से, राम मंदिर के दर्शन के लिए। कल का एक अपने आप को सहभागी बनाना चाहता था मैं, आज बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ। मैं राम मंदिर के तीर्थ स्थान के बाहर खड़ा हुआ हूँ और दर्शन की लाइन में हूँ, जल्दी दर्शन करूंगा, राम जी की कृपा है। आप मैं कुछ बोलना चाहेंगी, कितना ऐतिहासिक लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको अयोध्या आके? बहुत अच्छा
बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मोदी है तो सब मुमकिन है, राम मंदिर बना, बहुत बहुत खुशी है। तो शांतनु आप देख सकते हैं, एक बार पीछे मैं फिर से कहूंगा, दिखाना चाहे, एक लंबी लाइन है और ये लाइन यहाँ पर नहीं खत्म हो रही है, ये किलोमीटर तक की लाइन है। और देखिए श्रद्धालुओं को, ये देखिए लाइन से देखिए कितना मैनेजमेंट, आप देखिए कुछ लोगों को पहले अंदर भेजा जाता है 150 लोगों को, फिर कुछ लोग अंदर जाते हैं, इनका उत्साह नहीं कम हो रहा है। जय श्री राम के देखिए किस तरीके से ये लोग नारे लगाते हुए अंदर जा रहे, लाइन में काफी देर से खड़े हैं, लेकिन जो उत्साह है वो नहीं कम हो रहा है। देखिए जय श्री राम, लाइन में खड़े अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये राम मंदिर का भव्य मंदिर बन गया, पूरा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए उत्साह शांतनु आप देखिए, और एक अंदाजा लगाइए कि आज यहाँ पर धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तमाम जो बुजुर्ग हैं उनके चेहरे पर ना थकान है ना शिकन है, हाथ जोड़े हुए गले में प्रभु श्री राम का पटका डाले हुए सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए 550 साल ये लोग कहना है कि ये देखिए आप क्या देखिए प्रभु वो कृष्ण भगवान को देखिए ये ले जा रहे हैं दर्शन कर, कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या लाए हैं? इस्कॉन पटना से आया हूँ। ये भगवान जी हैं, कृष्ण भगवान है, विश्राम कर रहे हैं, इनको भी दर्शन कराने ले जी जी दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। तो देखिए आप देखिए एक लंबी लाइन है शांतनु, किलोमीटर तक ये लाइन वापस आऊंगा आपके पास। रूपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उद्या से, उनसे भी उनका भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं रूपेश क्या इस वक्त आपको नजर आ रहा है, कहां पर आप मौजूद हैं और किस तरह से कहा जाए कि जो पूरा मंदिर का मैनेजमेंट है, पुलिस प्रशासन है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चल रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ पर क्या कुछ अभी तक नियंत्रण पाया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब जो है पूरी तरह से व्यवस्था जो है उसको ठीक से व्यवस्थित किया गया है तमाम श्रद्धालुओं को, और लाइन लगाकर अब एंट्री मंदिर में कराई जा रही है तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इस वक्त क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं रूपेश? देखिए बता दीजिए, जिस तरह से बात की जाए तो इस समय भगवान राम के मंदिर के बाहर जो है जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, बकायदा उनको जो है बैठाया जा रहा है सामने, और उसके बाद जो यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो एडीजी जोन लखनऊ है पीयूष मौर्या बकायदा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको बकायदा, और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बकायदा आराम से बैठ करके और उसके बाद धीमे धीमे आराम से अंदर प्रवेश करें और रामला के दर्शन करें, पूजन करें, लोगों को बकायदा अपील करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, बकायदा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं के लिए यहाँ पर अयोध्या में पहुंचे हुए हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाते हैं वो पहुंच रहे हैं, और लंबी कतार श्रद्धालु को दिखाई पड़ रही है, बकायदा उनके अंदर में एक आस्था दिखाई पड़ रही है, ये आस्था जो है ये दर्शाती है कि श्रद्धालुओं में कितना भगवान राम के प्रति प्यार है, कितनी लगाव है। देखिए अयोध्या जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन पर भी बैरिकेड किया गया था, कहा यह जा रहा था देखिए 3 से 4 लेयर की जो सुरक्षा है वो भी कहा जाए लगाई गई थी, तो अब उन रास्तों पर किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं जो तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, पहले ये कहा जा रहा था कि निमंत्रण वाले ही अयोध्या पहुंचेंगे, उस पर पाबंदी हटा ली गई है, और अब अगर कोई श्रद्धालु वहां पर जाना चाहता है तो उसको लेकर किस तरह की चेकिंग व्यवस्था है, किस तरह के नियम कानून अब जो कहा जाए फॉलो किए जा रहे हैं? इस तरह जो जिस रास्ते से श्रद्धालुओं का आना हो रहा है अयोध्या में, देखा जा रहा है कि जिस श्रद्धालु जो है अब रोड पर खुद पैदल चल करके आ रहे हैं, क्योंकि भारी भरकम वाहनों का उसमें प्रवेश बंद कर दिया गया था कल के लिए, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है उसको देखते हुए श्रद्धालुओं को रोका तो नहीं जा रहा है, लेकिन जो वाहन से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके वाहनों को बाहर रोक दिया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालु जिस तरह से उनके में राम के प्रति इतनी आस्था है वो पैदल ही चल करके भगवान रामला के दरबार पहुंच रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए वो पहुंच रहे हैं दरबार तक का, और इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी अंदर हमको भगवान राम का दर्शन मिलेगा। कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं करता दिखाई पड़ा कि उसको ये लगा हो कि उसको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो, प्रशासन भी उन लोगों का ध्यान रख रहा है, और इस तरह से यहाँ का जो अयोध्या का प्रशासन है, जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, बकायदा उन लोग की मदद कर रहा है और बकायदा जो है उन लोग को हिदायत दे रहा है कि भीड़ भाड़ में ज्यादा न चलें, आराम से कतारबद्ध बनकर दर्शन करें, पूजन करें, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जिस तरह से आज जो रास्तों को खोला गया है, लेकिन जो वाहन बाहर से आ जा रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जो अभी भी जो है जो भगवान रामला के दरबार की तरफ रास्ता जाता है उसमें जो है भारी भरकम वाहनों को रोक दिया गया है और दो पहिया वाहनों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन जिसको जाने दिया जा रहा है जिसके पास अपना पास है जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ गई है, श्रद्धालुओं की संख्या अपार संख्या बढ़ गई है, लाखों श्रद्धालु रोड पर मतलब बकायदा कतार बंद मार के खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सभी खुश नजर आ रहे हैं, जिस तरह लोगों का कहना है कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम है ऐसा कुछ नहीं है, जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं
वो जो है श्री राम अस्पताल से लेकर के भगवान रामलला के दरबार तक का उनको उनकी कथा लगाई गई है और धीमे धीमे उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, खुद जो यहाँ के एडीजी जोन है। चलिए ठीक है, रूपेश नजर बना के रखिए। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या में तैनात यूपी पुलिस का नया चेहरा देखिए।